हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पावर इन एसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे और इसके डेरिवेशन को समझेंगे कि पावर इन एसी सर्किट कैसे वर्क करता है और इसमें पावर फैक्टर का जो टर्म होता है उसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलिए अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने डेरिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में पहला एक सिंपल सा इक्वेशन होता है, आई एम इक्वल टू वी एम अपॉन जेड, और ये जो जेड की वैल्यू होती है, इम्पीडेंस की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्सएल, या फिर एक्सएल माइनस एक्स सी, कुछ भी ले सकते हो आप, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? अगर इंडक्टिव बड़ा है कैपेसिटिव से तो एक्स एक्सएल माइनस एक्स सी, अगर कैपेसिटिव बड़ा है तो एक्स सी माइनस एक्सएल, बहुत सिंपल से बात ही है। ठीक है, और ये आपका आएगा अंडर रूट में है। ठीक है, और हमारा जो फाइव की वैल्यू होती है इसमें वो होती है टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्स एल अपॉन आर। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। जब एक्स सी माइनस एक्स एल लेते हैं तो इसमें करंट जो है वो लीड कर जाता है, और अगर एक्स एल बड़ा है तो करंट जो है वो लैग कर जाता है। सिंपल सा बात है एकदम, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इनमें से हम एक ही डेरिवेशन का यूज़ करेंगे कि अगर एक्स सी बड़ा है तो एक्स वाला लेंगे और एक्सएल बड़ा है तो सिंपल दूसरा लेंगे। मतलब क्या लेंगे, जब एक्स सी अगर बड़ा है तो हम लेंगे ओमेगा टी, एक्स सी जब बड़ा है तो ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब करंट जो है वो लीड कर रहा है, और अगर एक्सएल लेंगे तो वो लेंगे ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, क्योंकि करंट जो है वो लैग कर जा रहा है। अब दोनों में से आपके बुक में एनसीईआरटी में ओमेगा टी प्लस फाइव लिया है, ठीक है, तो हम भी ओमेगा टी प्लस फाइव लेके ही चलेंगे। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि तो हमको क्या होगा, इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम पावर के फॉर्मूले को निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पावर ने एसी सर्किट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो पावर का जो फॉर्मूला है वो होता है वी आई। ठीक है, अब ये वी आई जो होता है इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, वी को हम लिख सकते हैं वी एम साइन ओमेगा टी, आई को क्या लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग लेता है, किसी में ओमेगा टी माइनस फाइव ले लेता है और किसी किसी में ओमेगा टी प्लस फाइव ले लेता है, पर उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बाद में जाके कैंसल आउट होके हमको एक इक्वेशन मिलेगा, तो हम डायरेक्ट उस इक्वेशन में समझने की कोशिश करेंगे कि वो होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे बढ़ाते हैं इसी डेरिवेशन को। तो ओमेगा वी एम आई एम साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो हमारे पास में अब ये इक्वेशन आ चुका है। अब हमको एक फॉर्मूला मालूम है, टू साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसी फॉर्मूले का हमको इसमें यूज करना है। तो इसमें साइन के दो टर्म तो हैं पर टू नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी एम आई एम अपॉन टू करेंगे और टू यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमको आएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब इसमें एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि ये जो ओमेगा टी है इसको आप बी लीजिएगा और इसको आप ए लीजिएगा, तो आपका डेरिवेशन जैसा बुक में है वैसा का वैसा ही एकदम बनेगा। ठीक है, तो इसको लेंगे वी एम, और ये जो वी एम और आई एम है इस टू को हम तो तोड़ देंगे रूट टू और रूट टू के फॉर्म में। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो ये क्या आएगा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी, ठीक है, सॉरी प्लस ओमेगा टी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और इसमें ओमेगा टी प्लस हो जाएगा। और ये रूट चेंज करने का क्या मतलब था, इस रूट जैसे हम बाय रूट टू करेंगे, इस रूट टू के फॉर्म में आने के कारण ये जो फॉर्मूला है,
अब ये वी आरएमएस आरएमएस वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है, और हमको मालूम है कि एवरेज वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ही हम पावर में लिया जाता है, ठीक है। नॉर्मल एवरेज वैल्यू को नहीं लिया जाता है। कौन से वैल्यू को लिया जाता है? आरएमएस वैल्यू को ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये आएगा आपका कॉस फाई माइनस ये ओमेगा टी, ओमेगा टी बन जाएगा कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाई। तो ये हमारा है इक्वेशन, सिंपल सा। क्या इक्वेशन है? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई माइनस कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाई। तो मैं आपको क्यों क्यों बोला था कि ये प्लस रखिए या माइनस रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप प्लस रखेंगे तो इसको ए लीजिएगा, इसको बी लीजिएगा। अगर इसको आप माइनस रखेंगे तो इसको ओमेगा टी को ए रखिएगा और इसको बी रख लीजिएगा, तो आपका डेरिवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आखिरी में जो ओमेगा टर्म है वो आपका कैंसल आउट हो ही जाने वाला है, ठीक है। क्यों होने वाला है? इसको समझने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि कॉस टू ओमेगा टी प्लस फाइव जो हमारा आया है, इसमें जो टी टर्म देख रहे हैं तो पावर का जो टर्म होता है, पावर का जो टर्म होता है एवरेज पावर, ठीक है, एवरेज पावर इन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट साइकिल जो होता है वो कितना होता है? जीरो। और ये वैल्यू जो होती है वो टाइम डिपेंडेंट है, तो हम इस टाइम डिपेंडेंट वाली को हम क्या लेंगे? जीरो मान लेंगे पूरा का पूरा। तो अगर हम इस टर्म को जीरो मानते हैं तो हमारा वैल्यू क्या आएगा? हमारा वैल्यू आएगा वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, ठीक है। तो हमको पावर का फॉर्मूला क्या आएगा? वी पावर एवरेज इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो हमको एक फॉर्मूला हमको मिल गया पावर का, वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई, एक पावर मिल गया। और एक और फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर एम एस कॉस फाई, और ये होगा जेड, ठीक है। तो हमारे पास में दो फॉर्मूले हैं, वी आई कॉस फाई और आई स्क्वायर आर एम एस जेड कॉस फाई, ठीक है। तो अब इसके केसेस को समझते हैं, क्योंकि ये आई का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला, जेड का वैल्यू चेंज नहीं होने वाला। चेंज कौन सा वैल्यू होने वाला? फिर चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ आपका फाई का वैल्यू, और यही जो फाई है इसी को हम बोलते हैं कॉस फाई को बोलते हैं हम पावर फैक्टर, मतलब इसी के ऊपर आपका पावर जो है वो डिपेंड होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। क्योंकि कॉस फाई के वैल्यू ही अगर चेंज होगा तभी हमारा पावर का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहला हम समझते हैं कि अगर हमारा सर्किट में एल और सी है ही नहीं, हम लेते हैं प्योर रजिस्टिव सर्किट, प्योर रजिस्टिव सर्किट लेते हैं अगर, तो उसके लिए प्योर रजिस्टिव सर्किट के लिए इस कॉस फाई की वैल्यू को वन होना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए कॉस फाई इक्वल टू हम लेंगे जीरो, जो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, अगर हम इसको जीरो ले लेंगे तो हमारे पास में जो फाई की वैल्यू आएगी कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू होता है वन। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या आएगा? पावर ऑफ एवरेज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एम एस जेड। और इस टाइम पे जो पावर डिसिपिएटेड होगा, मतलब जो हमको पावर मिलेगा वो कितना मिलेगा? मैक्सिमम पावर मिलेगा, कितना मिलेगा? मैक्सिमम पावर हमको मिल जाएगा। कब होगा? जब कॉस फाई इक्वल टू वन होता है। पावर फैक्टर का जो रेंज होता है वो जीरो से वन के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। पावर फैक्टर जीरो से बड़ा होता है और वन से हमेशा छोटा होता है, पावर फैक्टर, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान दीजिएगा। तो प्योर रजिस्टिव सर्किट में क्या होगा? आपकी वैल्यू वन आएगी और आपको मैक्सिमम पावर डिसिपिएट होगा। इसी तरीके से हम सेकेंड टर्म को समझते हैं। अगर हम प्योरली रजिस्टिव या इंडक्टिव सर्किट को लेते हैं, प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट को अगर हम लेते हैं, तो ये दोनों ही सर्किट में जो करंट है वो तो या लीड करता है या लैग करता है, पर कितना डिग्री करता है? 90 डिग्री करता है। तो जो हमारी फाइव की वैल्यू है वो पाई बाई टू आती है, और हमको मालूम है कि कॉस फाइव 90 डिग्री अगर हम लेते हैं तो फाइव की वैल्यू जो आएगी पाई बाई टू में, सॉरी
कॉस फाई की, कॉस पाई बाई टू की जो वैल्यू हम लेंगे, अगर कॉस 90 की वैल्यू अगर लेते हैं तो वो आती है जीरो। ठीक है, तो हमारा कॉस फाई की वैल्यू कितनी आई, हमारी कॉस फाई की वैल्यू आई जीरो। तो अगर जीरो आ रहा है तो हमारा पावर डिसिपेट होगा ही नहीं, अगर प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव लेते हैं तभी ऐसा होगा। नो पावर इज डिसिपिएटेड, क्योंकि कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, जीरो आ गई। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, कॉस 90 की वैल्यू हमारी जीरो होती है, तो बहुत सिंपल सा हमारा वैल्यू आ गया कॉस फाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आता है आपको कि वॉटलेस करंट क्या होता है। वॉटलेस करंट मतलब, वॉटलेस का मतलब क्या हो गया, पावर को हम यूनिट से लेंगे तो वॉट, और अगर पावर ही नहीं है तो उसको बोलेंगे वॉटलेस, सिंपल सा बात है। तो इसमें होता क्या है, अगर हमारा सर्किट में करंट फ्लो भी हो जाए, इवन द करंट इज फ्लोइंग, इवन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, तो इस टाइम पे इवन द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, वी से दैट इट इज वाटलेस सर्किट, वाटलेस करंट। तो कब होता है, जब आपका सर्किट प्योरली इंडक्टिव या कैपेसिटी हो तो उसमें से कोई पावर डिसिपिएट नहीं होगा, और उस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे वाटलेस करंट, जिसका कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि पावर तो डिसिपिएट होने वाला ही नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने थर्ड इक्वेशन को समझते हैं, केस को। अगर हमारा सर्किट एलसीआर सर्किट होता है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला हमारे पास में, फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि एलसीआर सर्किट यूज तो कर लेते हैं हम, पर जो आपका पावर डिसिपेशन है वो सिर्फ और सिर्फ आर से ही होगा। पावर डिसिपेशन किससे होगा, सिर्फ और सिर्फ आर से ही होने वाला है। क्यों होने वाला है, वैसे तो एक्सी या एक्सेल से भी होगा थोड़ा बहुत तो, पर ये दोनों की दोनों जो है वो स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। ठीक है, और आर हमारा हम मान के चलते हैं कि लोड है, और यही पूरा का पूरा करंट रोकने वाला है, और जो करंट रोकेगा उसी से हमारा पावर मैक्सिमम पॉइंट पे डिसिपेशन होगा। तो एलसीआर में मैक्सिमम पावर डिसिपेशन किससे होगा, आर से ही होने वाला है। एक्सी और एक्सएल भी एज ए रेजिस्टेंस जैसे वर्क तो करेंगे, पर डिसिपेशन आपका सिर्फ और सिर्फ आर से ही होने वाला है। ठीक है, इसी तरीके से हम चौथे वाले को समझते हैं। अगर हम एलसीआर सर्किट लेते हैं और इसको रेजोनेंस सर्किट अगर बना दें हम, कौन सा सर्किट बना दें, रेजोनेंस सर्किट अगर हम बना देते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस फाई, जो हमारा वैल्यू आता है वो एक्स सी माइनस एक्सएल अपॉन आर लेंगे, और ये दोनों के दोनों वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स सी इक्वल टू एक्सएल जीरो, तो जीरो अपॉन आर क्या होता है, जीरो, और कॉस फाई जीरो क्या होता है, कॉस फाई जीरो होता है, हमारा एक्चुअल में आंसर जो आता है वो आएगा कॉस जीरो इक्वल टू वन, और हमारा ये सर्किट प्योरली रजिस्टिव बन जाता है उस टाइम पे जब एक्स एलसीआर सर्किट रेजोनेंस सर्किट में जैसे वर्क करना चालू कर दें। तो ये हमारे टोटल फोर केसेस थे पावर में, और आपको आई होप पावर फैक्टर भी समझ में आ गया होगा। पावर फैक्टर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कॉस फाई, और आपको ये डेरिवेशन भी समझ में अच्छे से आ गया होगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा, ओमेगा टी माइनस फाई लेंगे अगर, क्योंकि एक्सएल माइनस एक्ससी अगर लेते हैं तो ओमेगा टी माइनस फाई लीजिएगा, तो आप लिख दीजिएगा वहां पास में, कंफ्यूज मत होइएगा। और जब क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए तो सिर्फ एक ही सॉल्व करके दिखाना है, अलग अलग सॉल्व करके आप मत दिखाइएगा। ठीक है, आई होप आपको अब ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी अगर इस टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले हमारे चैनल को। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।